वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से जनरली एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आपको समझ में ना आए या कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको उसको सॉल्व कर सकूँ, उसको प्रॉब्लम को, डाउट को। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, यानी कि वहाँ जहाँ तक मैंने आपसे पढ़ाया था उसके आगे। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप वीडियो का फ़ायदा उठाते रहो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बीच में पढ़ाना तो ज़रूरी है ही भाई, बाहर तो जा नहीं सकते। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा, वो मैंने कुछ मेंशन कर रखा है बोर्ड पर, वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कंपाउंड मिक्सचर के बारे में, कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो मैं आज आपसे कंपाउंड मिक्सचर में फ़र्क बताऊंगा एंड देन मैं क्लियर करूंगा कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में क्या जनरली डिफरेंस है इन दोनों में, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले मैं बताया तो आपको कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। कंपाउंड मिक्सचर में जनरली क्या है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या है कि ये एक प्योर सब्सटेंस है जो कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक तरह का इम्प्योर सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। इन दोनों में मेन फर्क क्या है, मैं आज आपको ये बताऊंगा। इन दोनों मेन फर्क जनरली क्या है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपाउंड की। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है और ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको लिख के बता सकता हूँ आपको किस तरह से आपको डिफरेंस लिखना है। पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से डिफरेंस बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपाउंड एंड ये है मिक्सचर। मैं आप शॉर्टकट में बताऊंगा, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक जनरली कॉन्सेप्ट मिल जाए कि हाँ एक्चुअली क्या है कंपाउंड। क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर क्या है, कि एक इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस, राइट, इम्प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड की जनरली फिक्स कंपोजिशन होती है, फिक्स या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं डेफिनेट कंपोजिशन होती है, डेफिनेट कंपोजिशन होती है। बट जनरली मिक्सचर की क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है। का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड है, तो कंपाउंड के अंदर क्या है, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको वाटर का फॉर्मेशन करना है, तो आपको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो लेना पड़ेगा, एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा वो 1:8 का रेशियो होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी जनरली मिक्सचर की, तो उसमें अगर कुछ भी ले लो, मतलब कितना भी शुगर ले लो, कितना भी वाटर ले लो, मिक्स तो होगा ही, नो प्रॉब्लम है, और मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा ही, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आपको कितना ही रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या है, फिक्स है, डेफिनेट कंपोजिशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी, शो डज नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रॉपर्टीज, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, यानी कि किस चीज से मिलकर बना है इसकी प्रॉपर्टी को ये बिल्कुल शो नहीं करता है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे वाटर है, तो वाटर जो है वो वाटर को पीने के बाद ये देखने से पता नहीं चलता कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी शो नहीं होती इसके अंदर। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर हो, तो ये क्या करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है, शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें शुगर और वाटर मिलाया है, तो वो शुगर वाटर क्या है, का जो मिक्सचर है वो शुगर और वाटर दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, राइट, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, राइट। तो ये जनरली मेन प्रॉपर्टी है हमारा, जो कंपाउंड और मिक्सचर दोनों की मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, अपने एग्जांपल में H2O है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मिक्सचर, मिक्सचर की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे वो एग्जांपल लिख सकते हो, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है ये मिक्सचर। तो आपको आई होप के पता चल गया होगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में जनरली मेन डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेज है लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि कंपाउंड। अच्छा, ये भी आप बोल सकते हो कि मैं ऐसे बता भी देता हूँ आपको कि कंपाउंड का जनरली क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। तो जनरली क्या है कि ये एक डिफरेंस मैंने आपको क्रिएट कर दिया कि इसमें क्या डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में, मेन डिफरेंसेस क्या है, ताकि आपको एक जनरली नॉलेज ओवरव्यू हो जाए कि क्या डिफरेंस है। एक्चुअली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कर सकते हो, एग्जाम में तो वैसे ही नॉर्मली 19th क्लास के एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मैं इसको जनरली इरेज कर, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट दे सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसके आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन सस्पेंशन इन कोलाइड। कल मैंने फ्लो चार्ट में आप लोगों को बताया था, बट मैं पूरी तरीके से नहीं बताया था, सिर्फ मैंने फ्लो चार्ट समझाया था आप लोगों को। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड में मेन डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या उनकी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं, सॉल्यूशन की, ठीक है। जनरली सॉल्यूशन क्या है, आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन एक प्योर सब्सटेंस है, सॉल्यूशन क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और ये मेनली दो, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन के मेनली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जो हम लोग किसी चीज में मिलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे शुगर वाटर है, तो शुगर वाटर में क्या है कि वाटर के अंदर आप शुगर मिक्स करते हो, राइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्लास वाटर में, या आप ऐसे बोलते हो कि 500 ग्राम वाटर में आपने जनरली फॉर एग्जांपल 100 ग्राम वो शुगर मिला आपने, 200 ग्राम शुगर मिला आपने, तो यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट है जो जनरली कम अमाउंट में है, और एक ऐसा कंपोनेंट है जो जनरली ज्यादा अमाउंट में, राइट। तो जैसे सॉल्यूशन में आपने बताया, तो एक जो कम अमाउंट में है वो जनरली क्या कहलाएगा, हमारा पता है, सॉल्यूट कहलाएगा, सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या कहलाएगा, हमें सॉल्वेंट कहलाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जनरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं, एक तो हमारा है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, जो लेस अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो मोर अमाउंट में होता है, राइट। तो सॉल्यूशन के अंदर आपको पता चल गया कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जनरली इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जैसे शुगर आपने वाटर में मिलाया, तो शुगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट के लिए क्या आ जाएगा, जनरली वाटर क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन, राइट। अब क्या है कि एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, सॉल्युबिलिटी से आप क्या समझते हो, सॉल्युबिलिटी क्या है, देखो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या है भाई सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब एग्जैक्टली ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो हम किसी सॉल्वेंट में किसी गिवन टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं किसी भी 100 ग्राम सॉल्वेंट में, राइट। तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे एक सॉल्यूशन है, वो 100 ग्राम वाटर लिया फॉर एग्जांपल आपने, ठीक है, 100 ग्राम वाटर लिया है और उसमें आपने 50 ग्राम आपने क्या मिला दिया है, शुगर मिला दिया है, तो उस जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कितनी होगी, आपने कितना अमाउंट सॉल्यूट मिलाया आपने, उसमें आपने 50 ग्राम सॉल्यूट मिलाया है, तो उस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 ग्राम हो जाएगी, राइट। एक और होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो, कंसेंट्रेशन एक ही बात है दोनों, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है कि द अमाउंट ऑफ, इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड, यानी कि जो अभी प्रेजेंट है, या ऐसा बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, किसी भी गिवन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिसॉल्व है इन प्रेजेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने
200 ग्राम फॉर एग्जांपल क्या है सॉल्यूशन है, अगर आपने उसमें 50 ग्राम सॉल्यूट मिला रखा है तो हम कह सकते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है 50 ग्राम है। उसका फॉर्मूला है वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको उसका एक फॉर्मूला बता दूंगा रिलेशन बाद में, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सॉल्यूशन के बहुत सारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं भाई, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूशन, मैं लिख रहा हूं यहां पर, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जनरली सॉल्यूट कम अमाउंट में है, ठीक है, वाटर से कम अमाउंट में अगर सॉल्यूट है तो हम इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, ज्यादा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर मैं यहां पर लिख दूं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। तो ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए क्या होता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, वर्ड का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम सॉल्यूट हो, वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो और जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट ज्यादा हो तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दो और टाइप है सॉल्यूशन, ये तो था कि इस बेस पर कि वाटर के अमाउंट के बेस पे था, अब है जनरली दो और टाइप्स के, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, मैं समझाता हूं, इसको समझिएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन, देखो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि एक वाटर में आपने शुगर मिलाया, ठीक है, इतना शुगर मिलाया, मिलाते गए और शुगर मिलाया, एक ऐसा टाइम आएगा कि अब शुगर मिलाने पे वो घुल नहीं सकता, ठीक है, यानी वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा उसके अंदर। तो अब जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ज्यादा सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अब ज्यादा सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन एक सॉल्यूशन है, एक ग्लास पानी है, उसमें आपने दो स्पून जो आपने शुगर मिलाया उसके अंदर, आप चाहो तो 3 स्पून मिला सकते हो और 4 स्पून मिला सकते हो पानी का अमाउंट अगर ज्यादा है तो यानी कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम और सॉल्यूट यानी डिसॉल्व कर सकते हैं, घुला सकते हैं उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो आपको पता होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, एग्जांपल भी आपने देख लिया क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा, अब मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिटेल में, जैसे मैंने आपको कल बताया था लेकिन मैंने लिखा नहीं था, मैं आज इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन, पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूशन जनरली क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। क्या है सॉल्यूशन, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, कैन पास
थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से आराम से पास हो सकता है, ठीक है ओके। उसके बाद तीसरा है हमारा, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है मैं ये करके समझाऊंगा, डोंट वरी। एंड चौथा है हमारा पार्टिकल साइज इज अबाउट 1 नैनोमीटर। आपको पता है 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर, ठीक है। एंड 5 क्या है, कैन नॉट सेटल डाउन, कैन नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब्ड, व्हेन अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। देखो मैं समझते हैं इसको, सबसे पहले क्या हमने लिखा है, होमोजीनियस, यानी ये सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता है क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है उसके अंदर पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, कैन पास थ्रू दी फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास हो सकता है, ये कैन है, कैन पास थ्रू दी फिल्टर पेपर, इसमें फिल्टर पेपर में इसका इसके पार्टिकल्स रुकते नहीं है, ठीक है, वो आराम से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, कल मैंने आपको बताया था क्या होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई, कि जब लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसके अगर लाइट के पार्टिकल, लाइट की जो रेज अगर वो विजिबल हो गए तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट का जनरली प्रोसेस, वो फिनोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल साइज इज अबाउट 1 नैनोमीटर, इसका पार्टिकल साइज मैंने आपको बताया था कल कि कितना होता है, 1 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होता है। नेक्स्ट हमारा 5, कैन नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, क्या होता है ये, जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे आप 10 मिनट के लिए तो इसके जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जनरली 5 मेन प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है 2-3, लेकिन ये 5 मेन प्रॉपर्टीज जो कि आपको याद रखना है, पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये 5 मेन प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल इसका क्या आपको पता है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था क्या होता है इसका, एग्जांपल सैंड वाटर, वो सॉरी सॉल्ट वाटर या फिर शुगर वाटर इसका एग्जांपल है। इसी तरह से मैं आपको सॉल्यूशन के बाद किसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी बताऊंगा, सेम पॉइंट इसमें भी बोलना आपको, सेम पॉइंट सस्पेंशन, सेम पॉइंट इसे ही बोलना है आपको, लेकिन क्या है कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं इसी में चेंजेस करता हूं, ये होमोजीनियस नहीं होता बल्कि क्या होता है, ये हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, क्या होता है ये हेटरोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, वो सॉल्यूशन हो सकता था बट यहां पर क्या है, ये जो हमारा सस्पेंशन है वो क्या है, कैन नॉट पास, कैन नॉट पास, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास यानी सेपरेट नहीं किया जा सकता है इसके पार्टिकल्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, तो इसमें क्या लिखेंगे, इट शोज टिंडल इफेक्ट, इट शोज टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, इट शोज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा चौथा पार्टिकल साइज इज अबाउट 1 नैनोमीटर, इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज इज अबाउट अबव, अबाउट भी नहीं बल्कि अबव, ठीक है ना, अबव 1000 नैनोमीटर, राइट, इसका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। उसके बाद आगे लिखा आप देख सकते हो, कैन नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, ये आराम से सेटल डाउन हो सकता है, कैन सेटल डाउन, कैन सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, कैन सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, ये आराम से इसके पार्टिकल क्या होता है नीचे बैठ जाते हैं अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो उसको 10 मिनट के लिए तो, ठीक है। ये इसके 5 प्रॉपर्टीज होगा, आप चाहो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सस्पेंशन 5 प्रॉपर्टीज आपको सामने दिख रहे होंगे, हेटरोजीनियस होता है, कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा इट शोज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल साइज इज अबाउट 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, कैन सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे ये आराम से क्या हो जाता है बैठ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है इसकी प्रॉपर्टीज सस्पेंशन की। अब मैं बात करता हूं किसकी प्रॉपर्टीज, कोलाइड की प्रॉपर्टीज, कोलाइड की प्रॉपर्टीज में चलो अलग से लिख देता हूं, ठीक है, कोलाइड की प्रॉपर्टीज, कोलाइड की प्रॉपर्टीज आपको पता है मैंने बताया था कोलाइड भी एक तरह का क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सचर है कोलाइड, क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सचर, राइट। उसके बाद कोलाइड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जनरली ये क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा, इसका पार्टिकल जनरली सेटल डाउन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली इसका पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होता, पार्टिकल सॉरी हो जाता है, पार्टिकल सेटल
डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब, ठीक है ना। उसके बाद ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, यस ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज क्या होगा, इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये फिल्टर पेपर से पास होगा कि नहीं होगा, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं, पास हो जाता है आराम से, सॉरी पार्टिकल इसके अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, पार्टिकल कैन नॉट सेपरेट, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर, थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, कोलाइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया था, सस्पेंशन का एग्जांपल आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में ही, पिछले वीडियो में क्या था, सैंड वाटर, सॉइल वाटर, ये सब क्या है सस्पेंशन के क्या कहते हैं एग्जांपल है। कोलाइड, कोलाइड का एग्जांपल क्या है भाई, मिल्क है, मिल्क के कोलाइड का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते, चलो देखो, जैसे फॉग, फॉग भी कोलाइड का एग्जांपल है, ठीक है। हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये कोलाइड हेटरोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, पार्टिकल आराम से जाके बैठ जाती है जब अनडिस्टर्ब होता है। ये पांचों प्रॉपर्टीज को तीनों में आपको वो करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट है शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। आपको पता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एग्जांपल भी मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप जाकर उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर होता है पार्टिकल साइज। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये था हमारा कोलाइड की प्रॉपर्टीज, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये हमारे कोलाइड की पार्टिकल, कोलाइड की प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। कंसेंट्रेशन निकालने का, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका परसेंटेज कंसेंट्रेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज कंसेंट्रेशन। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, आज मैं एक ही फॉर्मूले का आपको एक्सप्लेन करूंगा। मास बाय मास क्या होता है, एक होता है मास बाय मास, मास बाय मास कंसेंट्रेशन, परसेंटेज कंसेंट्रेशन, ठीक है। क्या होता है भाई फॉर्मूला, परसेंटेज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू ऊपर में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, राइट, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जनरली सॉल्यूट जो है वो, फॉर एग्जांपल या ऐसा नहीं लेते हैं, हम ऐसा ले लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें जो है शुगर का अमाउंट, शुगर का अमाउंट क्या है, शुगर का अमाउंट जनरली इसमें 50 ग्राम है, ठीक है। और जो वाटर है तो वाटर का अमाउंट कितना है इसमें बताओ, वाटर का अमाउंट कितना है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया चलो 200 ग्राम ले लिया मैंने इसमें, ठीक है 200 ग्राम ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, तो इसको कैसे पता करेंगे भाई, देखो शुगर है, शुगर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट होगा, ठीक है। शुगर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट होगा, और ये क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास टोटल कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना, सॉल्यूशन तो भाई दोनों के मिलने से बना है ना, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 50 प्लस में 20 वो 200 प्लस में 50 कितना हो जाएगा, 250 कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। ये हमारा कितना है, 250 हो जाएगा, 250 ग्राम। अब आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप परसेंटेज कंसंट्रेशन पता करो, देखो आप पता करोगे क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है हमारा, 50 ग्राम है, सॉल्यूट हमारा 50 ग्राम है, अपॉन सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा, सॉल्यूशन कितना है 250, तो कितना है 250 इंटू में क्या है 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 5 से 5 2 10, 5 5 20, 5 10 50, ठीक है। तो 10 2 20 अपॉन में तुम्हारा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%, राइट, ओके। तो ये हमारा क्या निकला, परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको सामने दिख रहा होगा, तो इस तरह से हम निकालते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसका दूसरा फॉर्मूला भी, उसके बाद एक और पार्ट है इस चैप्टर का, उस पार्ट के बाद आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।
एंड इसी तरह से आप जनरली सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, आपने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। ठीक है, एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।